Hello everyone, welcome back. I am a faculty of Kudos International School and today we are going to start a new chapter, new story, and that chapter name is The Boy and the Drum, which gives us a very special message. And what is that message? That goodness gives us more goodness. If you are good, then others will also be good to you. See, in our life, happiness and positivity are the two sides of the coin. When we are happy, we feel positive, and good deeds guarantee happiness. Agar hum khush hain, to hum positive rahenge to hum dusron ki help karenge, dusron ke liye acche kaam karenge, aur jab hum dusron ke liye kuch acha karte hain, to hamare liye bhi bhagwan hamesha acha hi karta hai. To ye special message hame story se milne wala hai. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, द बॉय एंड द ड्रम. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी. और ये एक तरह का प्ले है जिसमें अलग अलग तरह की कैरेक्टर्स हैं. अब कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं इसके? नरेटर, जो स्टोरी नरेट कर रहा है, बॉय, ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. देन मदर, ओल्ड मैन, पॉटर्स वाइफ, वॉशरमैन, वॉशरमैन्स वाइफ, मैन, ब्राइडग्रूम एंड ब्राइडग्रूम्स फादर, ये स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर्स हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सीन. फर्स्ट सीन में दिस इज अ सीन ऑफ अ कंट्री साइड, एक गांव का सीन है. और इसमें एक वुमेन बाहर खड़ी हुई है और वो अपने बेटे को देख रही है कि वो उसका बेटा उसके सामने खेल रहा है. तो ये जो वुमेन है ये बहुत ही ज़्यादा पुअर वुमेन है और ये हार्डली ही अपना इतना अर्न कर पाती है जिससे उसका घर चले. अब क्या होता है, एक दिन जो ये वुमेन है ये अपने बेटे को बोलती है कि वॉट कैन आई गेट यू फ्रॉम द मार्केट, मैं तुम्हारे लिए मैं बाज़ार जा रही हूँ और आप बताइए आपको कुछ मार्केट से चाहिए. तो बॉय ने बोला कि मम्मा आप मेरे लिए ड्रम लेके आना, आई वुड लव टू हैव अ ड्रम टू प्ले विथ, मुझे ड्रम से खेलना बहुत पसंद है. तो माम जो मदर थी उसको ये पता था कि कभी भी उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि उससे वो अपने बेटे के लिए ड्रम ला सके. तो जब वो रास्ते से आ रही थी, जब वो घर पे वापस आ रही थी, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसके हाथ खाली है और उसने उसके बेटे ने उससे ड्रम मांगा था वो नहीं ला पाई. तो उसने क्या देखा, शी सॉ अ नाइस पीस ऑफ वुड ऑन द रोड, शी ब्रॉट इट होम एंड गिव इट टू हर सन. उसने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा जो रोड पे पड़ा हुआ था, उसको वो बहुत अच्छा लगा और वो अपने बेटे के लिए वो पीस ऑफ वुड घर पे लेके आ गई और उसने अपने बेटे को दे दिया. देखिए उसके बेटे ने उसको बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट किया और उसने अपनी मदर को बोला थैंक यू मम्मा फॉर सच अ नाइस पीस ऑफ वुड. अब उस बॉय को भी नहीं पता था कि उस वुड से उसको करना क्या है, बट वो हैप्पी था कि उसकी मदर उसके लिए कुछ लाई है और वह उस पीस ऑफ वुड को लेकर बाहर चला गया. अब बाहर जाकर उसने क्या देखा, ये हमारा नेक्स्ट सीन है. अब नेक्स्ट सीन में एक ओल्ड मैन है जो ट्राई कर रहा है, उसका चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका चूल्हा नहीं जल पा रहा है. तो वहां से वो बॉय निकल रहा था जिसके हाथ में क्या था, दैट पीस ऑफ वुड. तो उसने उसको पूछा व्हाट इज द मैटर ग्रैंडपा, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, उसने उसको पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. तो ओल्ड मैन जो था उसने बोला कि आई एम ट्राइंग टू कुक सम फूड बट आई एम अनेबल टू स्टार्ट अ फायर, आई नीड अ पीस ऑफ वुड. उसने बोला कि मैं आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आग जल ही नहीं रही है, तो इसके लिए मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए. तो बॉय के हाथ में क्या था, पीस ऑफ वुड. उसने वो ग्रैंड पा को दिया, मीन्स उस ओल्ड मैन को दिया और बोला यू कैन यूज माई पीस ऑफ वुड टू स्टार्ट योर फायर, आप इसको लीजिए और आप आग जला सकते हैं अपने चूल्हे में. तो ओल्ड मैन ने बोला यू आर सच अ हेल्पफुल लिटिल बॉय, तुम कितने हेल्पफुल हो, थैंक यू सो मच. और फिर उस ओल्ड मैन ने फायर जलाई, उस पे उसने रोटी बनाई और उस
रोटी जो उसने बनाई उसमें से एक रोटी उसने उस बॉय को भी दी और उस बॉय ने बोला दैट लुक्स लाइक अ लवली पीस ऑफ ब्रेड, ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। और वो उस रोटी को लेके, उस पीस ऑफ ब्रेड को लेकर वो आगे निकल गया सॉन्ग गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सीन खत्म होता है कि देखिए उसने अपना लकड़ी का टुकड़ा ओल्ड मैन को दिया और ओल्ड मैन ने उसको रिटर्न में क्या दिया, पीस ऑफ ब्रेड जो अब उस बॉय के पास में है। देखिए क्या होता है नेक्स्ट सीन में। अभी नाउ इन द थर्ड सीन, A poor woman is sitting by the road with the many pots behind her. The woman is holding a baby in her arms. The baby is crying. अब उस बॉय के हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा है और जब वो आगे की तरफ गया तो वहाँ पे उसने देखा कि एक पुअर वुमन है जो रोड के किनारे बैठी हुई है और उसके पीछे काफ़ी सारे पॉट रखे हुए हैं, मटके रखे हुए हैं और उसके हाथ में एक बेबी है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो बॉय ने उससे पूछा कि व्हाई योर डॉटर इज क्राइंग, तो उसने बोला कि माय लिटिल वन इज हंग्री बट देयर इज नथिंग टू ईट इन द हाउस, मेरी जो बेटी है वो बहुत भूखी है और हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो बॉय ने उसको बहुत ही पोलाइटली बोला, डू नॉट वरी डियर लेडी, यो फीड दिस पीस ऑफ ब्रेड टू योर बेबी, ये देखो मेरे हाथ में जो ये रोटी का टुकड़ा है, द पीस ऑफ ब्रेड, ये लीजिए और आप अपने बेबी को खिला दीजिए। तो जो पॉटर की वाइफ थी वो बहुत खुश हो गई और उसने वो लिया और अपने बेबी को फीड करा दिया। तो उसने उसको बोला कि प्लीज़ टेक दिस पॉट इन रिटर्न फॉर योर काइंडनेस, तुमने मेरी मदद की तो तुमने जो मुझ पर अपनी काइंडनेस दिखाई है मेरे, इसके बदले में मैं तुम्हें ये पॉट देती हूँ। और शी गिव्स द बॉय अ पॉट और बॉय को वो पॉट बहुत अच्छा लगा, उसने बोला सच अ ब्यूटिफुल पॉट, थैंक यू लेडी। एंड द बॉय वॉज सो हैप्पी टू रिसीव द पॉट दैट ही स्किप्ड अलोंग हमिंग अ सॉन्ग और वो उस पॉट को लेकर वो गुनगुनाते हुए अब आगे बढ़ा। अब आगे नेक्स्ट सीन में क्या होता है चलिए देखते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ सीन, ये सीन है रिवर बैंक का। ऑन वन साइड अ वॉशरमैन इज क्वारलिंग विद हिज वाइफ और एक वॉशरमैन अपनी वाइफ पर चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ से जो मटकी है वो टूट गई थी जिसमें वो कपड़े बॉयल करने वाला था। अब क्योंकि बॉय वहाँ से गुजर रहा था तो उसने पूछा उनसे, डियर सर व्हाट इज़ द मैटर, तो जो वॉशरमैन ने उसको पूरी बात बताई कि मेरी वाइफ ने मटकी तोड़ दी इसलिए मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ। तो बॉय के हाथ में जो पॉट था, जो मटका था, उसने वो किसको दे दी, वॉशरमैन को दी और बोला प्लीज डू नॉट क्वारल, यू मे टेक दिस पॉट एंड यूज इट, ये आप मटका ले लीजिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वॉशरमैन और उसकी वाइफ ने बोला थैंक यू डियर लैड और उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और वॉशरमैन ने बोला प्लीज टेक दिस कोट एज अ गेस्चर ऑफ थैंक्स, आप ये कोट ले जाइए क्योंकि आपने हमारी हेल्प की है, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं तो आप ये कोट ले लीजिए। और बॉय को वो कोट बहुत पसंद आया और उसने उनको थैंक यू बोला और वो वहां से चल दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीन में क्या होता है। सीन फिफ्थ, ये ब्रिज के पास का है एंड अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज शिवरिंग, ही डज नॉट हैव अ शर्ट ऑन, अ हॉर्स स्टैंड्स बिसाइड हिम, एक आदमी है जो ब्रिज के पास खड़ा हुआ है और वो ठंड से कांप रहा है, उसके बदन पर भी कपड़े नहीं हैं और उसके पास एक घोड़ा खड़ा हुआ है। जो बॉय है वो अब वहाँ से गुजर रहा है, वो नाचता हुआ गाता हुआ वहाँ से निकल रहा है और उसने उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो उसने उसको पूछा व्हाट हैपन सर, तो उस मैन ने बोला
I was riding my horse to the city. A crowd of thieves beat me up and took my purse. They took everything, even my shirt. कि मैं शहर की तरफ जा रहा था अपने घोड़े से, तो कुछ लुटेरे ने मुझे लूट लिया, मेरा सारा सामान छीन लिया, और यहाँ तक कि मेरा पर्स भी ले लिया और कपड़े भी ले लिए. अब मेरे पास कुछ भी नहीं है. और उसको बहुत ठंड लग रही थी, तो बॉय ने क्या किया, अपना जो कोट जो उसको वॉशरमैन ने दिया था, वो कोट उसने उस मैन को दे दिया. तो जो मैन था वो बहुत खुश हुआ. उसने उसको बोला, सो नाइस ऑफ यू डियर बॉय, हियर प्लीज टेक माय हॉर्स इन रिटर्न. ये लो, मैं बदले में तुमको क्या देता हूँ, मेरा हॉर्स देता हूँ, ये आप रख लीजिए. तो बॉय ने बोला, वाओ सच अ फाइन हॉर्स, थैंक यू सर. और उसने उसको थैंक यू बोला और वो वहाँ से हंसता हुआ, नाचता हुआ, गाने गाता हुआ वहाँ से वो आगे की तरफ चल पड़ा. अब देखते हैं आगे क्या होता है. नेक्स्ट सीन में कुछ बाराती पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं. गेस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, सब वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन उनके फेसेस क्या हैं, सैड. ठीक है, तो जो बॉय है वो वहाँ से गुजर रहा था, तो उन्होंने उससे पूछा, व्हाई डू यू लुक सो सैड, तुम इतनी सैड क्यों हो भाई, तुम तो बारात लेके जा रहे हो, तुमको खुश होना चाहिए, व्हाई यू ऑल आर लुक सैड. तो जो दूल्हे का जो पिताजी था, उनके जो फादर थे, उन्होंने उनको बोला, वी नीड अ हॉर्स फॉर द ग्रूम, हमको क्या चाहिए, वी नीड अ हॉर्स, हमको घोड़ा चाहिए, क्योंकि जो आदमी घोड़े को लेके आने वाला था वो अभी तक नहीं आया और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं. तो बॉय ने उनको बोला, डू नॉट बी सैड, हियर प्लीज़ टेक माई हॉर्स, आप मेरा घोड़ा ले लीजिए. ओ सो काइंड ऑफ यू, प्लीज़ टेल मी व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न. तो उन्होंने बोला, तुम कितने अच्छे हो, आप बताइए, आपने मेरी हमारी इतनी अच्छी मदद की है, तो हम बदले में आपको क्या दें. तो बॉय ने इधर उधर देखा और बोला कि मुझे ड्रम चाहिए. उसने एक म्यूजिशियन के हाथ में क्या देखा, ड्रम. और बॉय ने बोला, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे ड्रम चाहिए. तो जो ब्राइडग्रूम था उसने म्यूजिशियन को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप अपना ड्रम उसको दे दीजिए. तो म्यूजिशियन ने अपना ड्रम उसको दे दिया. ठीक है, तो इस तरीके से बॉय को क्या मिल गया, ड्रम मिल गया, जो वो हमेशा से ही चाहता था उसके पास हो. तो देखा ना आपने कि गुडनेस गिव्स यू मोर गुडनेस, कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी हमेशा क्या होता है, अच्छा ही होता है. जिस तरीके से उस बॉय के साथ हुआ, जिसने सबकी मदद की और एंड में उसको फाइनली वो चीज़ मिल गई जो वो हमेशा से ही चाहता था. तो कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे ज़रूर बताइएगा. सो एवरीवन प्लीज़ डू टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.